हुकूमत को घर भेजकर टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान रियाज का बड़ा इंकशाफ, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत क्या होती है? सीनियर सहाफी और बोल न्यूज के एंकर पर्सन इमरान रियाज ने बता दिया। कहा, दुनिया टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का तजर्बा करके देख चुकी है। ये 1930 की दिहाई में शुरू हुआ। टेक्नोक्रेट्स टेक्निकल किस्म के लोग होते हैं, जैसे मईशतदानों को मईशत पर और साइंसदानों को तालीम पर लगा दिया जाता है। हर चीज को साइंसी फार्मूले के तहत किया जाता है। अवामी ख्वाहिश और उमंगों की कोई अहमियत नहीं होती। हर चीज को मुनाफे में तोला जाता है। हार्वर्ड स्कॉट नामी अमरीकी इंजीनियर ने इसे शुरू किया था, लेकिन ये सिस्टम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इमरान खान एक हफ्ते में बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे। सीनियर सहाफी और बोल न्यूज के एंकर पर्सन ने बड़ी खबर दे दी। कहा कि दो हफ्ते आराम के बाद इमरान खान अपनी सियासी एक्टिविटीज को दोबारा शुरू करेंगे। जनवरी के अख्तिताम तक इनका जख्म पूरी तरह भर जाएगा और फिर वो चलना फिरना भी शुरू कर देंगे। सीनियर सहाफी ने एक और इंकशाफ करते हुए बताया कि इमरान खान इस बार हुकूमत नहीं इक्तदार लेंगे। इमरान रियाज ने तकनीकी नुक्ता समझाते हुए कहा कि इक्तदार का मतलब है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की सियासी कयादत यानी इमरान खान और उनकी सियासी जमात करेगी। हुकूमत में आकर वो पहले की तरह अपना और कौम का वक्त जाया नहीं करेंगे, बल्कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इख्तदार ही कबूल करेंगे। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।